हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ न्यू मॉर्निंग इन काठमांडू। तो अभी का दिन शुरू करने वाला है मेरा दोस्त कुंगा, जो ये रिसीव मी कल जो रिसीव किए थे, तो अभी वो बोल रहे हैं अभी घूमने जाएंगे हम लोग, देखते हैं जिप लाइनिंग और क्या पायलट बाबा ऐसे कुछ बोल रहे हैं। सो आई विल टैग यू अलोंग इन द वीडियो, आप लोग प्लीज देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा काठमांडू। तो फिलहाल मेरा होटल अभी इसका पास में बौद्धो में, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मतलब इंटीरियर आपका डेकोर भी आप देख सकते हैं, मतलब पूरा ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है। ये पूरा आपका ऑथेंटिक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट स्टाइल में किया गया है, तो अभी आपको दिखाएंगे बौद्ध। सुबह शुरू हो गया, अभी हम निकल गए बौद्ध का गली में। तो अभी शुरुआत ही हम लोग बौद्ध टेम्पल से करेंगे, उधर जाएंगे। सुबह सुबह खाली पेट है मतलब फ्रेश है, तो थोड़ा दर्शन वर्शन भी हो जाए भगवान का, और उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना खाएंगे मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर अपना दिन शुरू करेंगे मेरा दोस्त सिंगा के साथ। तो फिलहाल अभी बेचारा उसका काम छोड़ के अभी गाइड करना पड़ रहा मेरे को, थैंक्स टू हिम। तो आपके सामने हमें बहुत तो अभी फिलहाल हम चल पड़े हैं यात्री में, मतलब बौद्ध का सर्कल करना पड़ता है। तो ये सब माने बोलते हैं, दिस इज ऑल प्रेयर, प्रेयर होता है इसमें, जैसे प्रेयर फ्लैग होता है वैसे होता है। सो इसको घुमाना पड़ता है, लेकिन अभी हम घुमाए नहीं है, हम बस ऐसे सर्कल में जा रहे हैं। इधर से ऐसे इसको छुमे बोलते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे जला के अपना प्रेयर्स वगैरह कर सकते हैं। इधर छोटे छोटे दुकान होता है जहाँ पे ये सब कर सकते हैं, तो देख सकते हैं मतलब। दियो बालेंस की हुन्छ, ये बालेंस की हुन्छ, इक्की को लाई बालेंस स्टेशन प्रार्थना गर्नुको लागि मात्रै, प्रार्थना गर्दा चाहिँ बाल्नुको लागि। दोष कर रहा है, इधर छुमे बाल रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है आज अच्छे दिन के लिए, अच्छे दिन के लिए प्रार्थना कर रहा है वो लोग। कैसा ना, कैसा लग रहा है कर्म सर? पीसफुल लग रहा है, बोल रहा है। तो अभी प्रेयर भी कर लिए और हम लोग चिमनी दीप हम लोग जला लिए, और वो उस टाइम लेडी जो बोल रही थी वो क्या था कि इधर आके मन्नत मांग के आप ये छिमे आप जलाएंगे तो सफल हो सकता है, कोई अपना हेल्थ के लिए या कोई अपना पढ़ाई के लिए या कोई अपना काम के लिए, कोई अपना माता पिता के लिए, ऐसे सोच के आके वो अपना प्रेयर रख के फिर वो लोग जलाते हैं छिमे को। तो वो आंटी वही एक्सप्लेन कर रही थी उस टाइम, आप लोग ने शायद देख लिया होगा, लेकिन आंटी नेपाली में बोल रही थी तो इसीलिए हम ट्रांसलेट करके आपको बोल दिए। व्यू देखने जाएंगे हम लोग, तो बौद्ध का व्यू
इसको सांग बोलते हैं, मतलब ये एकदम आपको क्या बोले, स्मेल एकदम बहुत पीसफुल रहता है। तो अगर आप लोग को कभी चांस मिले ये सांग स्मेल करने का, जरूर कीजिएगा, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। इसका स्मेल में ही सेंस एकदम वो पीस रहता है। परिवार खाना दिँदैछ हाम्रो घरमा, छ धार्मिक मान्छे रहेछ हाम्रो सर। तो ये शायद फीडिंग द पिजन, मतलब इधर कुछ होगा इसका भी, मतलब शायद कोई पुण्य कर रहा होंगे, इसीलिए ये पुण्य का काम होगा, इसीलिए इधर नो एंट्री पे लगा दिए हैं और सेपरेट वो लोग के लिए खाने का जगह बंदोबस्त है। और आप देख सकते हो, मतलब जो भी आता है वो एक बकेट खरीद के, 100 रुपये का आता है ये बकेट, तो 100 रुपये का लेके ऐसे दे देते हैं। फिर सब परिंदे लोग जो भी बैठा है ऊपर वो लोग भी आते हैं, भूख लगता है तो आके खाते हैं। तो इधर से अभी हम लोग बस व्यू देखने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग बॉर्डर व्यू देखेंगे इधर से आपका ये इंटीरियर। इधर मॉनेस्ट्री है, और अभी ऊपर जा रहे हैं, अच्छा देखेगा व्यू बोल के कहूंगा हमको ऊपर ही ले जा रहे हैं, अभी कहीं से मार वार ना मिल जाए। तो देखिए आप व्यू नजारा हम लोग का, बुद्ध का, बौद्ध का। तो बस ये बड़ा सर्कल है, इधर आदमी लोग राउंड मारते हैं प्रेयर करते करते, मतलब पूरा स्तूपा का करेंगे। दिन का शुरुआत अच्छा रहा, सुबह सुबह भगवान का दर्शन करके अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी देखते हैं फिलहाल और दिन में और क्या क्या प्लान होता है। आप लोग जरूर बने रहिएगा ब्लॉग पे, और इसी तरह आप लोग मुझे प्यार देते रहिएगा, सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ पसंद आए तो कॉमेंट्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि उसी का हेल्प से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने चैनल में, कि क्या करना चाहिए था और क्या ज़्यादा हो गया था या क्या कमी हो गया था।